हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबोटिक्स एरा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप गूगल इनपुट टूल का यूज करके हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी में टाइपिंग करने के लिए पहला मेथड होगा ऑनलाइन गूगल इनपुट टूल का यूज करना, और सेकेंड मेथड में आप गूगल इनपुट टूल के एक्सटेंशन को डायरेक्टली क्रोम में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार साइट पर जाना नहीं पड़ेगा और हिंदी में टाइप करके कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम हिंदी में टाइपिंग करें। पहला मेथड है गूगल इनपुट टूल का ऑनलाइन यूज करना। तो यहाँ पे लिखिए गूगल इनपुट टूल, एंटर प्रेस करिए, पहले वाले लिंक पे क्लिक करिए, ट्राई इट आउट पे क्लिक करिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा है उसको आप हिंदी पे चेंज कर दीजिए और यहाँ पे ये आपका टाइपिंग के लिए रेडी है। अदरवाइज सिंपली आप गूगल इनपुट टूल हिंदी भी लिख सकते हैं। यहाँ सर्च बार में आप लिखिए गूगल इनपुट टूल हिंदी, तो हिंदी पे क्लिक करते ही आपका हिंदी वाला ऑप्शन डायरेक्टली खुल जाएगा गूगल इनपुट उपकरण को ऑनलाइन यूज करें। तो यहाँ पे क्लिक करते ही वही सेम ऑप्शन आपका खुल जाएगा जो भी आपने यहाँ पे सिंपल सा लिख करके यहाँ पे हिंदी इंग्लिश चेंज किया है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है रोबोटिक सरा में आपका स्वागत है। मैंने यहाँ पे ये टाइपिंग कर ली। अब मुझे ये टाइपिंग अगर नोटपैड में करनी है तो नोटपैड पे मैं देखिए डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, इसमें इंग्लिश में ही लिख करके आएगा। तो यहाँ पे करने के लिए या किसी भी वर्ड पे आपको कॉपी करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी करिए और जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हिंदी में टाइपिंग हो जाएगा। सेकेंड मेथड के लिए आपको यहाँ पे लिखना है गूगल इनपुट टूल एक्सटेंशन, इनपुट टूल एक्सटेंशन फॉर क्रोम। पहले ऑप्शन पे क्लिक करिए, या एक्सटेंशंस का ऑप्शन खुलेगा, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके ऐड एक्सटेंशंस पे क्लिक कर दीजिए। कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा ये डाउनलोड होकर के आपके गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगा और लिख करके आएगा गूगल इनपुट टूल हैज बीन एडेड टू योर क्रोम। अब ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहां पर आपको क्लिक करना है गूगल इनपुट टूल, यहां पिन कर लीजिए अपने टॉप पर। तो वापस से जब आप गूगल इनपुट टूल पे क्लिक करेंगे ऐसे तो एक्सटेंशन ऑप्शन आएगा। एक्सटेंशन ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज के लिए इनपुट पूछेगा, तो यहाँ पे आप हिंदी खोज लीजिए जो आपको टाइप करना है या जो भी लैंग्वेज आपकी प्रेफरेबल है। मुझे हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी पे नीचे आकर के यहाँ पे हिंदी पे जिसपे अ लिखा हुआ है वो वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा और यहाँ पे जो एरो बन के आ रहा है उस पर क्लिक करते ही ये इस सेक्शन में इनपुट टूल में चला जाएगा। हिंदी के और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, देवनागरी फोनेटिक, देवनागरी इंस्क्रिप्ट और हिंदी, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो जब आप वापस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे अब हिंदी लिख करके यहाँ आ रही है। जैसे हिंदी पे क्लिक करेंगे ये जो अ लिखा हुआ है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके बाद आपको न्यू टैब ओपन करना है। जब आप न्यू टैब ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आपको ये होम पेज दिखेगा, बट अगर यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आपका हिंदी में टाइपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप कैसे हो गूगल, तो ये इंग्लिश में ही हो रहा है बिकॉज ये गूगल का प्रॉपर होम पेज नहीं है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं गूगल, ठीक है, होम, तो एंटर करेंगे तो गूगल का होम पेज के लिए पहला ऑप्शन आएगा, या सिंपल आप गूगल लिखेंगे तो गूगल पे आप जब एंटर करेंगे तो google.co.in करके आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे गूगल सर्च और आई एम फीलिंग लकी इस तरीके से लेकर के आ रहा है और नॉर्मली जब आप न्यू टैब ओपन करते हैं तो हो सकता है इस तरीके का ओपन आए, तो ये नहीं आपको करना है, आपको ये वाले पेज पे लिखना है। अब आप यहाँ पे जब लिखेंगे हिंदी में तो ये टाइप होगा जैसे आप कैसे हैं, तो आपको जो भी है लेना है तो वो ऑप्शन यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं गूगल क्रोम पर इस एक्सटेंशन को यूज करके। तो आई होप आपको गूगल इनपुट टूल से हिंदी में टाइपिंग करना समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।